हेलो गाइस, अगर आप भी अपनी वेबसाइट से मालवेयर रिमूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और आप सही वीडियो में आई हैं। ठीक है, क्योंकि गाइस मैं पूरा प्रोसेस में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट से मालवेयर को रिमूव कर सकते हैं। इसमें मैं 5-6 आपको तरीके बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप अपनी वेबसाइट से मालवेयर को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं, और कुछ सिक्योरिटी टिप्स भी दूंगा जिससे आपकी वेबसाइट में कभी भी कोई भी मालवेयर या वायरस नहीं आएगा। सो गाइस चले ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेरा नाम अंकित पवार एंड आज किसी वीडियो में आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू स्मार्ट पर स्वागत है। तो गाइस ये है हमारी वेबसाइट, ठीक है, इसी वेबसाइट को यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी वेबसाइट से मालवेयर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मालवेयर इसमें है नहीं, फिर भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो जो जो तरीका मैं बताऊँगा वो आप अगर फॉलो करोगे तो आप अपनी वेबसाइट से मालवेयर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मालवेयर हमारी वेबसाइट में किसी भी तरीके से आ सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट में डीप नहीं बोलूँगा। मालवेयर क्या होते हैं आप गूगल में देख सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको रिमूव करना है। ठीक है, सिंपली ये समझ लीजिए कि मालवेयर एक वायरस होता है जो आपकी वेबसाइट को हैक कर लेता है, या उसकी वजह से आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते, आपकी वेबसाइट में पूरी ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है। मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाई है, ठीक है, हाउ टू फिक्स ब्लैंक स्क्रीन। ठीक है, और गाइस मालवेयर रिमूव करने के लिए आपके पास होना चाहिए सर्वर का लॉगिन, होस्टिंग पैनल का लॉगिन या सीपैनल लॉगिन होना चाहिए, तभी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। 5-6 तरीके बताऊंगा मैं, चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अपने सीपैनल, होस्टिंग पैनल या FTP के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में गाइस आपको पूरी वेबसाइट का बैकअप लेना है। बैकअप लेने से जो भी कुछ आगे अगर आप कुछ रॉन्ग कर लोगे तो उसको आप रिवर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको बैकअप लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ आप अगर वेबसाइट की फाइल्स को एक्सेस करोगे तो यहाँ .htaccess फाइल मिलेगी। ठीक है, वो जनरेट हो जाती है हर फोल्डर के अंदर, जितने भी फोल्डर होंगे, और developer.config.php भी आपका टॉप में कुछ कोड इंसर्ट हो जाता है। तो बैकअप लेने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल जो वर्डप्रेस प्लगइन है, ठीक है, उनको अपडेट करना है, या आपके पास पुराना बैकअप पड़ा है जिसमें मालवेयर नहीं है, उन प्लगइन्स को आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपडेट नहीं करना चाहते हैं, अपडेट करने का तरीका क्या है, जो जो आपके प्लगइन है एक एक नाम करके सर्च कीजिए एंड उनको डाउनलोड कीजिए, और यहाँ से आपको एक एक करके सबको हटाना है और नए प्लगइन को यहाँ ऐड करना है, क्योंकि हर फोल्डर के अंदर तो आप जाके HTTPS को रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हर फोल्डर के अंदर करोगे तो वो टाइम बहुत जाएगा। उसके बाद आपको सेम थीम में करना है, थीम को अपडेट करना है। अगर थीम अपडेट नहीं कर सकते, अगर फ्री थीम यूज़ करते हो तो वो अपडेट हो जाती है, नई थीम आप डाउनलोड करके वो अपलोड कर सकते हैं, या अगर आपके पास पेड थीम है और जब आपने परचेस करी थी, ठीक है, तो उस थीम को आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। थीम अपडेट हो गया, प्लगइन अपडेट हो गया, अब आपको वर्डप्रेस अपडेट करना है मैन्युअली। इसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आप मैन्युअली अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं। वर्डप्रेस अपडेट होने के बाद आप अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश करने के बाद आपकी वेबसाइट रन हो जाएगी, ब्लैंक स्क्रीन हट जाएगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको जो डेवलपर एडमिन का लॉगिन होता है उसको चेंज करना है, डेटाबेस का क्रेडेंशियल चेंज करना है, और जो लॉगिन होगा, जो पासवर्ड होगा, आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, कम से कम 20 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, अपना नाम, वेबसाइट का नाम, कुछ भी यहाँ पे नहीं रखना है। 4-5 तरीके मैंने बता दें। उसके बाद गाइस आपको आपको जाना है डेवलपर एडमिन में, अपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, वर्ड डिफेंस प्लगइन होता है, सिक्योरिटी प्लगइन होता है, इसको इंस्टॉल करना है, मैंने पहले से ही कर रहा है, ये फ्री प्लगइन है। उसके बाद सिंपली आपको इसमें रजिस्टर करना है, बस और कुछ नहीं करना। मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है, मेरे को इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे, रजिस्टर करना। उसके बाद ये जो भी कोई भी अगर आपकी वेबसाइट में अनऑथराइज एक्सेस करता है, उसके बाद उस पर्सन को या उस IP को ब्लॉक कर देता है जहाँ से अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश की गई है। जो फाइनल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे गाइस आपकी वेबसाइट में कभी भी मालवेयर नहीं घुसेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्या है गाइस, फेयर ऑलवेज सबमिट योर वेबसाइट ऑन क्लाउड फेयर। अपनी वेबसाइट को क्लाउड फेयर में कैसे सबमिट करना है,
उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। पूरी डिटेल बनाई कैसे आप सबमिट कर सकते हैं, कैसे उससे सिक्योरिटी एनहांस होती है, SSL भी आप इंस्टॉल हो सकता है। तो ये प्रोसेस गाइस आप अप्लाई करोगे अपनी वेबसाइट में तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट से मालवेयर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और वेबसाइट की सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, 6 टिप्स टू इम्प्रूव वर्डप्रेस सिक्योरिटी, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, एंड अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत।